नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो दुनिया में एक से बढ़कर एक हिट और फेमस फीमेल बॉडी बिल्डर्स हैं, जो दिन रात काफी कड़ी मेहनत करके अपने आप को फिट और एक्टिव रखने के लिए काफी ज्यादा जिम में कड़ा वर्कआउट करती हैं और दुनिया भर में अच्छा खासा नाम भी कमाती हैं। लेकिन फिटनेस के लिए जो जोश, जज्बा और जुनून चाहिए होता है, उसी के कारण दुनिया भर में काफी सारी फिटनेस मॉडल्स काफी ज्यादा फेमस हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही फीमेल बॉडी बिल्डर के भी बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के बलबूते पे दुनिया भर में काफी नाम कमाया और साथ ही साथ आसमान की ऊंचाइयों को छूने में भी कामयाब रही। इस फीमेल बॉडी बिल्डर की फिटनेस को देखकर अक्सर लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी फिटनेस को लेकर इतना ज्यादा स्ट्रिक्टली अपना वर्कआउट फॉलो किया कि इनकी फिटनेस दुनिया भर में काफी ज्यादा फेमस मानी जाती है। तो हमारी इस फीमेल बॉडी बिल्डर को देखकर आपके मन में क्या ख्याल आता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आए पसंद तो लाइक और शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इस फीमेल बॉडी बिल्डर के खूबसूरत से नाम से। इनका नाम है मार्सेले क्रिप्यानो। यह ब्राजील की रहने वाली है। मार्सेले का जन्म 1981 में हुआ था। मार्सेले एक प्रोफेशनल फिटनेस मॉडल है और बॉडी बिल्डिंग एथलीट होने के साथ साथ एक डांसर और आर्किटेक्ट भी है। इन्होंने अपनी काफी ज्यादा स्ट्रिक्टली डाइट प्लान को फॉलो करके अपनी बॉडी को मेंटेन किया है। लगभग 5 फुट 5 इंच की मार्सेले का वजन कंपटीशन के दौरान 66 और कंपटीशन ऑफ सीजन में 70 kg रहता है। मार्सेले ने 18 साल की उम्र से ही फिटनेस इंडस्ट्री ज्वाइन की थी और यह डांस की शौकीन होने की वजह से हमेशा से बचपन से ही काफी ज्यादा फिट और एक्टिव रहती थी। डांसिंग की वजह से इन्होंने अपनी बॉडी को फिट और एक्टिव रखा, जिसके कारण यह स्पोर्ट्स में भी भाग लेने के लिए काफी ज्यादा मोटिवेट हुई। इसके साथ ही मार्सेले ने अपनी बॉडी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए जिम ज्वाइन करी और इसके बाद काफी इंस्टेंट वर्कआउट करके अपनी फिटनेस को बरकरार रखा। जिम ज्वाइन करने के बाद इन्होंने काफी अच्छी बॉडी बनाई और फिटनेस इंडस्ट्री में कदम रखने को लिए इनको काफी ज्यादा मोटिवेशन मिला और इन्होंने अपना एक पर्सनल ट्रेनर भी रखा। इन्होंने 2014 में 32 साल की उम्र में अपना पहला कॉम्पिटिशन खेला, जिसमें इन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया है और आने वाली काफी सारी कॉम्पिटिशन में ये और ज्यादा नाम कमाने वाली है। हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मार्सेले के बारे में और अधिक जानकारी देंगे, तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइए कि आपको इनके बारे में और कौन कौन सी अधिक जानकारी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक